देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। दो लाइन गिवन है, एक्स माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड एक और लाइन गिवन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये दो लाइन बच्चों हमें गिवन है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें लिखनी है और वो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटर जो जिस पॉइंट से वो पास कर रही है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। तो पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट निकाल लो। वो कैसे निकालोगे, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 3x, मतलब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो, y की वैल्यू माइनस 3x यहाँ पर पुट कर दो। ट्वेंटी वन एक्स ऐसा बन जाएगा ये, है ना, और ये कितना आएगा 22x और इक्वल्स टू में क्या माइनस 5 या x इक्वल्स टू माइनस का 5/22, ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा। अच्छा आप ये x की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो, माइनस का 5/22, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 15/22, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब यानी कि माइनस 5/22 एंड 15/22, इस पॉइंट से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के अगर पैरेलल होगी तो यानी कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, तो उसकी जो स्लोप होगी उसमें एंगल 90 डिग्री रखोगे और ये अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन का मतलब हो गया 1/0। तो स्लोप आपको ये लेकर चलनी है और पॉइंट ये लेकर चलना है, ठीक है, क्लियर ये वाली बात। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही थी। इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो यानी कि जिस जो रिक्वायर्ड लाइन है, जिस लाइन की हमें इक्वेशन लिखनी है, वो इस लाइन से पास कर रही है और स्लोप उसकी 1/0 है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन निकल कर आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये आ जाएगा। y माइनस ये हमारा एक्स वन, ये हमारा वाई वन, वाई वन की वैल्यू 15/22 और स्लोप की वैल्यू 1/0 और x माइनस एक्स वन की वैल्यू माइनस का 5/22, तो ये लिख दिया मैंने ऐसे। अब ये जीरो इधर चला गया तो जीरो इक्वल्स टू एक्स प्लस 5/22 ये आ गया, ठीक है, ये जीरो इधर आ गया तो एक्स प्लस 5/22 इक्वल्स टू जीरो बचा। ये इधर लेकर आ जाओ तो एक्स इक्वल्स टू माइनस का 5/22, ये उस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन रही होगी। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। तो पहले जो ये दो लाइनें गिवन है, इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। ये जो पॉइंट आपके पास आएगा इस पॉइंट से और उस स्लोप से लेकर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देनी है। इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन x अपॉन फोर प्लस y/6 इक्वल्स टू 1, ठीक है। हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर अगर ये है तो वो पॉइंट 0 और y की फॉर्म में रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। ओके तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इस वाली लाइन की स्लोप निकालनी होगी हमें, तो ठीक है निकाल लेते हैं। पहले तो इक्वेशन देखो क्या बन रही होगी, 6x प्लस 4y, ऐसे नहीं बल्कि मुझे लिखना चाहिए एलसीएम इनका 12 आ रहा होगा, यहाँ पर 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 या 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, ये ठीक है। यहाँ से 2y ऐसे ही ठीक है, 3x उधर ले जाओ
प्लस 12, 2 से डिवाइड करा दो, ठीक है। तो y इक्वल्स टू माइनस का 3/2x प्लस 6, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। यहाँ से इसको अगर हम कंपैरिजन कराएं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस c से, तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस का 3/2। ये आप इसको m1 नाम दे दो, ओके। अब हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उस लाइन, वो लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ये ठीक पढ़ा मैंने? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट द वाई एक्सिस, ओके। ये जो पॉइंट है, ये वाली लाइन ही वाई एक्सिस को मीट कर रही है, तो इसका मतलब ये है, अगर वाई एक्सिस को मीट कर रही है तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर लो, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1, ये पार्ट तो 0 हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, यानी जो पॉइंट है वो क्या होगा, 0 एंड 6, ठीक है। अब देखो, हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो भी इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास कर रही है, तो अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इस लाइन की इक्वेशन और जो रिक्वायर्ड लाइन है, इस लाइन की स्लोप और जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L नाम दे देता हूँ उसका, और ये वाली स्लोप का नाम M, ठीक है, इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन L मल्टीप्लाई बाय स्लोप -3/2 है ये, तो M कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/3। तो जो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप है वो कितनी आ रही होगी, 2/3। अब रिक्वायर्ड लाइन जो है वो 2/3 उसकी स्लोप है और इस पॉइंट से पास कर रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या रही होगी, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन y-y1 mx-x1 y-y1 की जगह क्या लिखोगे, 6, स्लोप की जगह क्या लिखोगे, 2/3, और x-x1 की जगह 0, ये इधर लेकर आइए 3y-18 इक्वल्स टू 2x, या उधर लेकर जाइए सब कुछ, तो 2x-3y प्लस 18 इक्वल्स टू 0, ये उस लाइन की रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगी वो निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो फिर से देखो, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लो कि आपको जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, आपको सपोज करो ये इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये कोई एक लाइन है L, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और एक लाइन और आपको गिवन है ये ऐसे, और ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन भी इस पॉइंट से पास कर रही है जो कि 0y है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन हमें गिवन थी कितनी, x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1। तो हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है और इस वाली लाइन को कहाँ पर मीट कर रही है, जहाँ पर ये इस वाली लाइन को, ये वाली लाइन कहाँ मीट कर रही है, y एक्सिस पर। तो ये वाली लाइन भी y एक्सिस के इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगी, 0 और y को, है ना, और ये वाली लाइन भी इस पॉइंट से पास करेगी और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। तो हमने कहा एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस वाली लाइन की स्लोप निकालते हैं। तो हमने सबसे पहले इस लाइन की स्लोप निकाली और ये कितनी निकल कर आई, माइनस का 3/2, इस लाइन की स्लोप। फिर हमने कहा कि इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, तो हमारे पास इस लाइन की स्लोप आ गई, ठीक, स्लोप का काम हो चुका। अब दूसरा काम है पॉइंट पता करना, तो ये दोनों ही लाइनें वाई एक्सिस के थ्रू पास कर रही हैं, वाई एक्सिस से पास कर रही हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इस वाली लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा, ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो इस वाली लाइन में हमने x की वैल्यू 0 पुट करके किसकी वैल्यू निकाल ली, कि अगर x की वैल्यू 0 हो इस वाली लाइन पर तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो रहा होगा वो क्या होगा, 0, 6।
इस 0, 6 से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों ही पास कर रही हैं और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो अब इस वाली लाइन के लिए हमारे पास पॉइंट भी है और इस वाली लाइन के लिए हमारे पास स्लोप भी है, तो फिर हमने इस लाइन की इक्वेशन लिख दी। तो इसका आंसर बन जाएगा 2x-3y+18=0। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। एट्थ, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइन y-x=0 एंड x+y=0 एंड x-k=0। इन तीनों लाइन से फॉर्म होने वाला एरिया हमें निकाल कर देना है और जिसको निकालना आपको पता है बिल्कुल आसान होगा। कैसे निकालेंगे देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो ये सपोज करो तीन लाइन है इस तरह से, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ यहाँ पर y-x=0 ये लाइन मान लेता हूँ मैं और x+y=0 ये लाइन मान लेता हूँ और x-k=0 ये लाइन मान लेता हूँ। अब इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा, ये इन दोनों को आपस में सॉल्व करके निकाला जाएगा। तो देखो y-x=0 एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है y+x=0 y+x=0। तो यहाँ से x कैंसिल, y और y मिलकर 2y=0 या y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ये y की वैल्यू उठाकर इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो y-x=0 चल रहा था, y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो जब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व किया जाता है तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 आती है, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ये बनता है। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करोगे? इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका ये है कि एक इक्वेशन है हमारे पास, ये तो हमने एक काम यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब एक काम और कर लो, x-k=0 है तो ये x की वैल्यू यहाँ से k आएगी, ठीक है। ये x की वैल्यू k यहाँ पर पुट कर दो। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x+y=0, x की वैल्यू k पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी होगी -k। तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो बनेगा उसमें x की वैल्यू k होगी, फिर वो k यहाँ पर पुट करोगे तो y की वैल्यू -k आ जाएगी। तो इन दोनों इन लाइन का इंटरसेक्शन का पॉइंट ये बन गया। अब इन दोनों लाइन का सॉल्व कर लो। तो कैसे करोगे, फिर से x-k=0 तो x=k ये आएगा, ये x की वैल्यू k उठाकर यहाँ पुट कर दो, y-x=0 में x की वैल्यू k पुट कर दो तो y=k आ जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, तो यानी कि इस लाइन और इस लाइन को आपस में सॉल्व करने पर k एंड k ये पॉइंट बनता है। अब बच्चों आपके पास तीन पॉइंट हैं, ये और ये, इन तीनों पॉइंट से इन तीनों लाइन का मिलाकर जो भी ये एरिया बन रहा है वो आप निकाल लो। आपको तीनों कोऑर्डिनेट पता है तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है और वो एरिया का फॉर्मूला इन तीनों पॉइंट पर लगा दो। तो ये तीन पॉइंट है मेरे पास, 0, 0, k-k एंड k-k, इस तरह से, ठीक है। इनको कुछ नाम दे दो थोड़ी देर के लिए, ABC। अच्छा, ये हमारा x1y1, ये हमारा x2y2 और ये हमारा x3y3। अच्छा, अब एरिया निकाल लो, एरिया ABC। एरिया का जो फॉर्मूला है आप पढ़कर आए हो वो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, है ना। तो वो क्या होता है, x1y2-y3+x2y3-y1 और +x3y1-y2, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर दो, ओके। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 1/2, x1 की वैल्यू 0, y2 माइनस के,
वाई थ्री के, एक्स टू की वैल्यू कितनी है के, वाई थ्री के, वाई वन जीरो, एक्स थ्री की वैल्यू के, वाई वन जीरो माइनस वाई टू माइनस का के, ठीक है, ये पुट कर दिया, वन अपॉन टू माइनस के कितना, माइनस का टू के, और ये के इंटू के मिलकर कितना, के का स्क्वायर, अच्छा ये इंटू जीरो भी चल रहा था तो ये क्वांटिटी तो मुझे जीरो ही लिख देनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर के स्क्वायर और वो के इंटू के वो भी के स्क्वायर बनेगा, तो के स्क्वायर और के स्क्वायर ये मिलकर टू के स्क्वायर आ रहा होगा अंदर, और इधर आगे हाफ चल रहा है, इस टू से टू काट देना, तो जो एरिया बचेगा वो कितना आएगा, के स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इतना यूनिट स्क्वायर आपका आंसर बन जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, तीन इक्वेशन गिवन होती हैं, उन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो तो ये आंसर आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे ये आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे ये आएगा, फिर ये तीन पॉइंट हैं तो तीन कोऑर्डिनेट जब पता होते हैं किसी भी ट्रायंगल में तो आपको पता है, फिर ये एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू पुट करके थोड़ी सी केयरफुली कैलकुलेशन करोगे तो ये के स्क्वायर यूनिट इसका आंसर बन जाएगा। इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, शो दैट, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों ये, इसमें 3x प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, ये एक इक्वेशन है, एंड पी एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ये एक इक्वेशन है, एंड 2x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ये एक इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशन को आपस में, ये तीनों लाइन जो हैं वो एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो अगर एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं तो इनका एक कॉमन पॉइंट होगा जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता होगा, इन तीनों लाइन को सेटिस्फाइड करता होगा, या मैं कहूँ उस पॉइंट से ये तीनों लाइन पास करती होंगी, तो वो पॉइंट पता कर लेते हैं हम, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके वो पॉइंट पता कर लेते हैं, वो पॉइंट फिर हम इसमें पुट कर देंगे तो फिर हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले इस इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड है और ये थर्ड है, फर्स्ट और सेकंड को आपस में सॉल्व कर लो, ऐड करा दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बनेगा 5x और ये कितना आ जाएगा माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से सॉल्व होकर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे सपोज करो हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट 3x प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, एक्स की वैल्यू 1, 3 में से 2 माइनस कर दिया 1 बचा, 1 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 1, तो यानी कि 1 और माइनस 1 ये इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन है, तो इसका भी सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों की तीनों लाइनें क्या हो रही हैं, एक पॉइंट से पास कर रही हैं, और ये पॉइंट क्या है 1 एंड माइनस 1, तो 1 एंड माइनस 1 इस लाइन को भी सेटिस्फाइड करता होगा, तो ये x और y की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दो, तो ये इस पॉइंट का सपोज करो मैंने कोई नाम रखा ए, तो यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट ए मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन या लाइन पी एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो पुट करो पी इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस टू इंटू वाई की वैल्यू माइनस 1 माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो दिस इज माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो पी का आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 5, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, एक ये वाली लाइन गिवन है हमें 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू जीरो, एक हमें ये वाली लाइन गिवन है ये 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू जीरो, एक ये वाली लाइन हमें गिवन है px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू जीरो, ठीक है,
इस लाइन और इस लाइन को हमने आपस में सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लिया, ये पॉइंट आया 1 n-1। तो ये वाली लाइन क्योंकि इस पॉइंट से पास कर रही है इसलिए ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, तो x और y की वैल्यू यहाँ पुट करके हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, इफ थ्री लाइन हुज इक्वेशन आर, एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 एंड एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू m2x प्लस c2 एंड थर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू m3x प्लस c3 आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब ये तीनों लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमें शो करना है, टू शो कि m1 c2 माइनस c3 एंड m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 इक्वल्स टू क्या, 0। ये क्वांटिटी हमें प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, कर देंगे। तो ये तीनों लाइनें कॉन्करेंट हैं, कॉन्करेंट का मतलब ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि इन तीनों में एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो अब हमें इस लाइन से मतलब है जो हमें शो करना है। शो करने के लिए बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि हमें C1 माइनस C2 की ज़रूरत पड़ेगी, C3 माइनस C1, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखते चले जाओ। लिख लेते हैं, सबसे पहले ये इक्वेशन है फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड और ये है इक्वेशन थर्ड। तो मुझे C2 माइनस C3 की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ थर्ड इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। ठीक है, कराइए। थर्ड इक्वेशन लिख लीजिए, थर्ड इक्वेशन पहले तो मैं सेकंड इक्वेशन लिख लेता हूँ। सेकंड इक्वेशन y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, ये तो हमारी सेकंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू m3x प्लस c3, इसको सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करा दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, m2 माइनस m3 x और यहाँ पर क्या आ जाएगा, c2 माइनस c3 इस तरह से, और इक्वल्स टू में क्या बचा, 0। ये ठीक है बच्चों, ये इसकी वैल्यू आ गई c2 माइनस c3। अब यहाँ से c2 माइनस c3 की वैल्यू निकालना, कितना बनेगा c2 माइनस c3, तो ऐसे ही ठीक है। ये क्वांटिटी इधर लेकर आ जाओ, तो माइनस का m2 माइनस m3 x, ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई फोर्थ, जिसको हम कभी यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा और किसकी ज़रूरत पड़ेगी, c3 माइनस c1 की, c3 माइनस c1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। ठीक है, पहले थर्ड वाली इक्वेशन लिख लो, y इक्वल्स टू m3x प्लस c3, इसमें से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस कराओ, y इक्वल्स टू m1x प्लस c1। ओके, माइनस 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 कराइए, ये कैंसिल, 0। इधर m3 माइनस m1 और इन दोनों में कॉमन क्या चल रहा होगा, x, और प्लस में क्या आ जाएगा, c3 माइनस c1 ये आ जाएगा। ये इधर ही रखिए, ये इधर लेकर आ जाइए, तो माइनस का m3 माइनस m1 x और ये सब किसके इक्वल आ गया, c3 माइनस c1 के, ऐसे। ठीक है, ये हो चुका। अच्छा, अब मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी c1 माइनस c2 की। तो c1 माइनस c2 की वैल्यू भी यहाँ पर लिख लो। हाँ, तो c1 माइनस c2 कैसे निकालोगे, c1 में से फर्स्ट में से सेकंड माइनस करना है, तो यहाँ लिखो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लो, y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 और सेकंड इक्वेशन y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, सब्ट्रैक्ट करा दो। सब्ट्रैक्ट कराओ, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा m1 माइनस m2x और c1 माइनस c2 ये आ जाएगा। यहाँ से c1 माइनस c2 की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का m1 m2
एक्स, ये क्वांटिटी इक्वल आ जाएगी सी वन माइनस सी टू के। ठीक है, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन थी, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन हो गई। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है सी टू माइनस सी थ्री, सी थ्री माइनस सी वन, सी वन माइनस सी टू, ये वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दो इस वाली साइड में और प्रूफ करके दिखा दो कि ये जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, तो पहले ये वाली साइड लिख लेते हैं, एम वन सी टू माइनस सी थ्री प्लस एम टू सी थ्री माइनस सी वन प्लस एम थ्री एंड सी वन माइनस सी टू इक्वल टू, क्या दिखाना है, जीरो दिखाना है मुझे, तो ये मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं क्या लेकर चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। अब एम वन ऐसे, ठीक है, सी टू माइनस सी थ्री की वैल्यू हमने क्या निकाली है, माइनस का एम टू माइनस एम थ्री एक्स, ये वैल्यू हमने निकाली है। ओके, प्लस एम टू ऐसे, ठीक है, सी थ्री माइनस सी वन की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, माइनस का एम थ्री माइनस एम वन एक्स, ठीक है, प्लस एम थ्री और सी वन माइनस सी टू की वैल्यू हमने कितनी निकाली है बच्चों, ये निकाली है हमने माइनस का एम वन माइनस एम टू एक्स। अब इस क्वांटिटी को सॉल्व करा दो, तो इस सब को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा, माइनस का एम वन एम टू एक्स, ये बनेगा माइनस का एम वन एम टू और एक्स का भी मल्टीप्लाई कराते जाओ साथ साथ। अच्छा, माइनस माइनस प्लस एम वन एम थ्री एक्स, अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, माइनस का एम टू एम थ्री एक्स और एम वन एम टू माइनस माइनस प्लस एम वन एम टू एक्स, अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई कराइए, माइनस का एम वन एम थ्री एक्स प्लस एम टू एम थ्री एक्स, ये सब मल्टीप्लाई करा दिया। ओके, एम वन एम टू एक्स माइनस का और एम वन एम टू एक्स प्लस का, एम वन एम थ्री एक्स प्लस का, एम वन एम थ्री एक्स माइनस का, एम टू एम थ्री एक्स माइनस का, एम टू एम थ्री एक्स प्लस का, सब कुछ क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट। तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल बन जाएगी, जीरो के इक्वल। तो ये प्रूफ हो गया कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू जीरो, अगर ये तीन इक्वेशन कॉन्करेंट हैं। इस तरह से ये आपस में हमने सॉल्व कर लिया, बिल्कुल आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 32। एक पॉइंट है 32, उससे पास कर रही है, विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस टू वाई इक्वल्स टू थ्री। एक ये लाइन है x माइनस टू वाई इक्वल्स टू थ्री, इस लाइन के साथ एंगल बना रही है कितना, 45 डिग्री। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और इसके बेसिस पर हमें करना है। देखो, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो लाइन है बच्चों सपोज करो L, ये जो लाइन है ये इस पॉइंट 3 and 2 से पास कर रही है, और एक और कोई लाइन है x माइनस टू वाई इक्वल टू थ्री, उसके साथ ये जो एंगल बना रही है एक्यूट वो है 45 डिग्री। कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है बच्चों, ये अच्छा तो बिल्कुल आसान है, x माइनस टू वाई इक्वल टू थ्री, ये हमारे पास एक लाइन गिवन है, इस लाइन की पहले स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकालोगे, x इधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा और प्लस का 3 वहाँ पर पहले से चल रहा है, ये माइनस टू डिवाइड में लेकर आ जाओ। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 1/2x प्लस माइनस 3/2, ये आ जाएगा हमारे पास। इसे कंपेयर कराओ y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू इस लाइन की कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक है, इसका नाम आप चाहो तो m1 दे सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास m1 है कितना, 1/2। ओके, और इस लाइन की जो स्लोप होगी मैंने माना होगी m2। अच्छा, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री।
एक लाइन की स्लोप पता है तो दूसरे लाइन की स्लोप निकल जाएगी। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू कितना, एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। ऐसा टेन थीटा की वैल्यू कितनी लगाओगे, 45 डिग्री, इन दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री है। एम टू पता नहीं, एम वन 1/2 है, ठीक है, ये 1/2 ठीक लिखा था। x इधर आया था तो माइनस का हो गया था, माइनस टू से डिवाइड कराया था तो ये प्लस का 1/2, ठीक है। और 1 प्लस एम वन की वैल्यू 1/2 और इनटू में एम टू, ये टेन 45 की वैल्यू 1 होती है तो कितना आएगा ये 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एम टू, ठीक है। एलसीएम जब लोगे तो 2m2 माइनस 1 ऊपर आ रहा होगा, अपॉन में 2 आया होगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी एलसीएम लोगे तो 2 प्लस एम टू और अपॉन में 2 से 2 कैंसिल होगा होगा, ये क्वांटिटी बचेगी। अब इसको लेकर आप सॉल्व करो, एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर, तो 1 इक्वल्स टू प्लस का लेकर चल रहा हूँ, 2m2 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस एम टू, 2 प्लस एम टू इधर लेकर आओ तो 2m2 माइनस 1, m2 इधर ले जाओ तो क्या बचेगा, m2 1 इधर लाओ तो कितना आ जाएगा 3, तो m2 की वैल्यू 1 आ जाएगी 3। अच्छा फिर एक बार रखो माइनस का, 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2, ऐसे रख लो तो 2 प्लस m2 इधर लेकर आओ और इधर माइनस का 2m2 प्लस का 1, 2m2 इधर लाओगे तो 3m2 हो जाएगा, है ना, और 2 इधर ले जाओगे तो माइनस का 2 यानी माइनस 1, तो m2 की वैल्यू माइनस का 1/3 बचेगी। तो ये हमारे पास 2m की वैल्यू आ जाएंगी, 2m2 की वैल्यू आ जाएंगी। तो 1/1 अब इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों, ये वाली जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास कर रही है और इसकी दो वैल्यू हैं, या तो 3 या माइनस का 1/3 स्लोप की वैल्यू, ठीक लिखा मैंने, 3 एंड माइनस 1/3। तो अब इस लाइन की इक्वेशन लिखना बिल्कुल आसान है, पॉइंट पता है स्लोप पता है, इक्वेशन लिख दीजिए। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस पॉइंट है हमारे पास बच्चों 3, 2, तो 2 हमारा वाई वन हो गया, स्लोप की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, x माइनस एक्स वन की वैल्यू 3, इसको सॉल्व कर लो, है ना, तो 3x माइनस वाई और ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो माइनस 7 बचा होगा, ठीक है। ये बच्चों एक इक्वेशन बन जाएगी, 3x माइनस कितना बन रहा है, 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन रही है, ठीक है। एक और इक्वेशन बना लो, फिर से इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस पॉइंट तो वही रहेगा, केवल स्लोप चेंज हो जाएगी, इस बार माइनस 1/3 लेकर चलोगे, ठीक है। सॉल्व करो, 3y माइनस 6 माइनस एक्स प्लस 3, ये आ जाएगा, x इधर लेकर आइए, x प्लस 3y और ये इधर आएगा तो माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, कैसे किया देखिए, ध्यान दीजिए, हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस वाली लाइन को 45 डिग्री एंगल बना रही है, इस वाली लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो हमने पहले इस वाली लाइन की स्लोप पता कर ली, ठीक है, कितनी आई हमारे पास 1/2। अब इस वाली लाइन की स्लोप पता है और इसकी लाइन के साथ एंगल पता है, तो इस वाली लाइन की स्लोप निकल कर आ गई एंगल वाला फॉर्मूला लगाकर, दो आंसर आएंगे स्लोप के। तो अब इस लाइन की स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन लिख दो,
फिर से स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन लिख दो। तो इस तरह से आपके पास बच्चों दो इक्वेशन ये बन के तैयार हो जाएंगे। इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 11। दीजिए क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, दो लाइन है 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन दिखानी है जो कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन के पॉइंट से पास कर रही है और उसका इंटरसेप्ट आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर कुछ ऐसे ही एक फिगर बनाने की कोशिश करें तो हम ऐसा कुछ मान के चल रहे हैं कि ये कोई एक लाइन है और यहाँ पर दो लाइनें इस तरह से रही होंगी, कोई ऐसे कुछ, ये वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन है 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन की इक्वेशन कुछ 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो और ये वाली जो लाइन है L, ये हमें निकालनी है, ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन हमें निकाल कर देनी है और इसका जो इंटरसेप्ट है A और ये जो B इंटरसेप्ट है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ठीक है, अब ये वाली जो लाइन L है वो इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन के पॉइंट से पास कर रही है और इक्वल इंटरसेप्ट हैं इसके ये, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ये मैंने एक रफ फिगर ऐसी बना दिया। तो पहले तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लें। तो इन दोनों को आपस में सॉल्व कैसे करें, उस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के साथ फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करा देंगे सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा के। तो 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराओ पहले, 4x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब ये कितना बना बच्चों, 13y, ये मैंने ठीक लिखा, वहाँ माइनस चल रहा था, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये माइनस 5, तो y की वैल्यू कितनी, 5/13, इस तरह से बन गया। ओके, ये जो y की वैल्यू आई है, इस y की वैल्यू को उठाकर इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो चलो हम सेकंड में पुट कर देते हैं, फ्रॉम सेकंड। तो 2x माइनस 3y की वैल्यू 5/13 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या, 0। तो 2x तो ऐसे ही ठीक है, बाकी सब कुछ उधर लेकर चले जाओ, ये 3 5 15 अपॉन 13 और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ये, ठीक है ये। अब इसके बाद 13 इधर आया तो 2x इक्वल्स टू 2/13, तो यहाँ से x की वैल्यू 1/13 बन रही है। ओके, नाउ अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है, इस लाइन L का हमें पता है कि ये कहाँ से पास कर रही है, 1/13 से एंड 5/13 से, ठीक है बच्चों, इस लाइन L का हमें पॉइंट पता चल गया जिससे ये पास कर रही है। अच्छा, एक चीज़ और गिवन है कि इसके इक्वल इंटरसेप्ट हैं, तो इंटरसेप्ट वाली फॉर्म इसकी क्या रही होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। अब x अपॉन a ऐसे ही ठीक है, y अपॉन, अब क्योंकि इंटरसेप्ट इक्वल है तो b को भी a लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1, या x प्लस y इक्वल्स टू क्या, a, एलसीएम लिया, a उधर भेज दिया। बट ये वाली जो लाइन है हमारी जिसकी इक्वल इंटरसेप्ट है, वो लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट सेटिस्फाइड करना चाहिए उस लाइन को। तो इस पॉइंट में से x और y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 1/13 और y की वैल्यू 5/13, तो ये आ जाएगा 6/13। तो इसका इंटरसेप्ट, ए इंटरसेप्ट आया 6/13, तो इसलिए b इंटरसेप्ट भी क्या होना चाहिए, 6/13, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये बात। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो चाहो तो इसी इक्वेशन को पुट कर दो, ये जो इक्वेशन आपने लिखी थी
है ना, इसी इक्वेशन में पुट कर दो। तो इस इक्वेशन का नाम क्या रखोगे, थर्ड नाम रख दो चलो। तो फ्रॉम थर्ड एक्स प्लस वाई किसके इक्वल चल रहा था, ए के वैल्यू, और ए की वैल्यू कितनी है 6/13। ये हमारा आंसर बन जाएगा। आप चाहो तो इसको 13x प्लस 13y इक्वल टू 6 करके इस तरह से छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल आसान है, कैसे किया एक बार फिर से बताता हूँ, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है, क्योंकि ये वाली जो लाइन L है रिक्वायर्ड लाइन, वो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो इन दोनों इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करो, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो वहाँ से ये x और y की वैल्यू मिल जाएंगी, यानी पॉइंट मिल गया। अब इस लाइन, ये वाली लाइन हमें पता चल गई कि इस पॉइंट से पास कर रही है। अब उसने ये भी बोला है कि ये जो लाइन है ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, यानी a और b आपस में इक्वल हैं। अगर a और b आपस में इक्वल हैं तो मैंने b की जगह a लिख दिया, तो इसको सॉल्व करने पर a बना, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, यानी कि ये इक्वेशन होगी उस लाइन की जो हमें रिक्वायर्ड है। बट उसमें वो लाइन हमें पता है x और y की वैल्यू क्या है, जिस लाइन पॉइंट से वो पास कर रही है, तो वो पुट करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू। ये a की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर पुट कर दो, और अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो आप डायरेक्ट फिर से लिखो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, और x अपॉन a की वैल्यू 6/13, ठीक है, और b की वैल्यू 6/13 इक्वल ही थे ना ये, तो फिर ये x प्लस वाई, ये 6/13 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा, फिर इससे सॉल्व होकर ये बन जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपका इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 12 के।